देखा, ये भी कव्वाली में बजता है। अब ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे बजता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि गाना गाने का स्थाई, स्थाई के बाद अंतरा, फर्स्ट अंतरा गाया, फर्स्ट अंतरा का सेकंड लाइन कुछ इस तरीके से लोच टाइप में होता है। कैसे? तो ये बजाने के लिए और इसके थोड़े बहुत वेरिएशंस जो मेरे पास हैं आपको बताऊंगा अभी, वो कैसे हम बजा सके और इसके वेरिएशंस कैसे क्रिएट कर सके, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। बोल क्या है? आपको ये फील करना आना चाहिए सबसे पहली बात है। कैसे? दिखता धा तिकता ता तिकता धा तिक धा ता। ये जो है धिक्ता धा तिक्ता ता तिक्ता धा तिक धा ता। ये बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आइए थोड़ा नोट करते हैं। धातिक तातिक 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 धातिक धातिक ता 1 2 3 1 2 3 थोड़ा आड़े ले में चल रहा है। तो इसी तरीके से ये मतलब इसका जो स्वयं है वो 3/4 का है। ठीक है, तो मतलब एक मात्रा में आपको 3 मात्रा बजाना है, उसी तरीके से 4 मात्रा में 12 मात्रा बजेंगी। तो उसको आपको देखना है कैसे, धिकता धा तिकता ता तिकता धा तिक धा ता धिकता धा, जो धिकता आधा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए छोटी छोटी डायनेमिक्स है ख्याल करने वाले। धिकता, अब ये जो आधा मैं बजा रहा हूँ उसमें आपको छोटा सा ते मिडिल वाली फिंगर्स है, लेकिन उससे पहले आपको क्या बजाना पड़ेगा, धिक, देखिए धिक धिक और गे धिक। अगर मैं इसको नॉर्मली बोलूं तो क्या बोलेंगे, धिक्ता तिधा तिक्ता तिता तिक्ता तिधा तिक धा तिता, है ना। अब धिक्ता तिधा कैसे, अब धिक्ता आधा क्यों बोल रहा था, क्योंकि वो जो डायनेमिक्स है ना वो बहुत ही माइनर सा लग रहा है। ठीक है, तो आपको अगर आप आधा बोलेंगे तो ही ज्यादा बेटर लगेगा, लेकिन अगर आपको तीधा में ज्यादा सूटेबल हो रहा है तो आपको तीधा भी बताता हूँ किस तरीके से। अब ये 1 2 3 1 2 3 ये चल रहा है, देखिए 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 का लोच जो है वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 धातिकता तर ऐसे और थोड़ा सुनने में करते हैं। को ख्याल रखने वाली चीज है। तो अगर हम कहरवे के कव्वाली पैटर्न के साथ बजाएंगे तो कैसे बजेगा, है के साथ आप दोनों बार क यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप कितना तरीके भी जोड़ सकते हैं, देखिए दूसरा इसका वेरिएशन बन गया, धिकता तिधा तिकता तिता कितना तरीके तिधा तिता, है ना। कैसे,
किट तक तेरे किट जोड़ने से नया वेरिएशंस बन रहा है, कैसे? धिकता तिधा तिकता तिता किट तक तेरे किट दिखता तिता। किट तक तेरे किट कैसे? की ट ता ई र ई ट। वीडियो को स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि मैं सारा एक पैराग्राफ बना के जो है वो आपको नहीं बताता हूँ। मैं एक एक करके जब जो चीज़ें मैटर करता है उसी चीज़ में ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता रहा हूँ और मैं सारी चीज़ें एक ही चीज़ में इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं हो सके तो कोई चीज़ अगर छूट जाता है तो उसको बाद में इंक्लूड कर देता हूँ, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी कैसे क्या बजा? धिकता तिधा तिकता तिता कृतक तरीके दिखता तिता। अब धिकता तिधा कैसे बजा ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। और किटक त्रिकेट कैसे बजेगा? सेम वही पैटर्न है, किटक त्रिकेट ऐड है खाली बस। अब टिक धा तिता किट तक देर किट थोड़ा सा प्रेशर के साथ बजाइए। किट तक देर किट देख धा तिता धिकता तिधा तिकता तिता किट तक देर किट देख धा तिता। अब इसके बाद ही एक और हम जानते हैं जाते हैं थोड़ा सा इसका जो दूसरा मतलब थोड़ा सा पलटा टाइप का लगता है। पहले तो वही पैटर्न है सिंपल, धिकता तिधा तिकता तिता पहले वाला पल्ला सेम है। देखिए के साथ अब थोड़ा सा यहाँ पे डायनेमिक्स दे सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े तो, ना इस तरीके से। कैसे हो जाए? बस ये ऐड हुआ है, ये कैसे बजाएंगे हम? देखिए ये धाधा ये वाला वन टू थ्री फोर तिधा तिता। देखिए वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर, पहले क्या चल रहा था? वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर, है ना। ये जो पहले वाला तीन तीन पल्ला लेके चल रहा है और जो मिडिल वाला पार्ट है जो खाली का पार्ट है वो चार पल्ला लेके चला। कैसे? साथ मिला के धागा जो आ है मैं उसमें गे को भर दे रहा हूं। धिकता तिधा तिकता तिता तिकता धा धा तिधा तिता, है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये भी बहुत यूनिक है और इसको आप सीखिए, इसको कीजिए, बहुत ही इम्पैक्टफुल है। आप किसी कव्वाल के साथ बजा रहे हैं तो आपको बहुत ही सूटेबल लगेगा। कई सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ और आप आगे भी बताते रहूँगा इसी तरीके से। ये जो कव्वाली सीरीज चल रहा है इसको मैं पूरा करूँगा और आप देखें, आप इसको सीखिए, ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। और कव्वाली ही नहीं, कई सारे गज़लों में भजनों में भी इसका उपयोग किया जाता है, तबले वादन में इसका उपयोग कहीं ना कहीं किया जाता ही है, तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, और बेल आइकन अगर दबा दिए तो फिर कमेंट भी कर दीजिए कैसा लगा आपको, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।